बॉलीवुड के पॉपुलर एक्टर्स की बात करें तो ऋतिक रोशन की फैन फॉलोइंग काफी ज्यादा है और लोग उन्हें बहुत प्यार भी करते हैं। लेकिन एक लंबे टाइम से ऋतिक बॉलीवुड से गायब हैं, यहाँ तक कि उनकी लास्ट फिल्म काबिल 2017 में रिलीज हुई थी। लेकिन फाइनली ऋतिक अपने फैंस के लिए एक सरप्राइज गिफ्ट लेकर हाजिर हैं, जिसका नाम है सुपर 30। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं दीक्षा, वेलकम टू ट्रेलर रिव्यू ऑफ सुपर 30। फिल्म आनंद कुमार नाम के एक टीचर की लाइफ से इंस्पायर्ड है, जो बिहार में सुपर 30 नाम की एक कोचिंग चलाते हैं। कमाल की बात यह है कि आनंद अपनी कोचिंग में कभी 30 से ज्यादा बच्चों को सिलेक्ट नहीं करते और 30 में से अक्सर 25 से ज्यादा बच्चे IIT में सिलेक्ट हो जाते हैं। आनंद की लाइफ स्टोरी इतनी ज्यादा इंस्पायरिंग है कि बॉलीवुड वाले खुद को रोक नहीं पाए और उनकी जिंदगी पे एक फिल्म बना दी। ट्रेलर में आप देख सकते हैं कि आनंद एक जीनियस है और उनको मैथ्स पढ़ाने में काफी मजा आता है। ऐसे में उन पे नजर पड़ती है पढ़ाई का बिजनेस करने वाले कोचिंग माफिया की, जो बच्चों का इस्तेमाल सिर्फ खूब सारा पैसा कमाने के लिए करते हैं। आनंद को भी खूब सारा पैसा दिया जाता है और उनकी जिंदगी को बदलने तक की बात कही जाती है। इसके पीछे रीजन सिर्फ एक है, आनंद के फेस को आगे करके भोले वाले बच्चों को ठगना और उनके पैसों से अपने कोचिंग सेंटर के बिजनेस को आगे बढ़ाना। लेकिन आनंद खुद गरीबी से उठकर ऊपर आए हैं और वो समझते हैं कि किसी बच्चे की लाइफ में पढ़ाई की इम्पोर्टेंस कितनी ज्यादा है, इसीलिए वो इस चकाचौंध की दुनिया से खुद को दूर कर लेते हैं और बच्चों को फ्री कोचिंग देने का मन बना लेते हैं। इसी कोचिंग सेंटर का नाम है सुपर 30, जिसमें ऐसे बच्चों को पढ़ाया जाता है जो फैमिली सिचुएशन की वजह से पढ़ नहीं पाते या फिर पैसों की वजह से दुनिया को अपना टैलेंट दिखा नहीं पाते। ट्रेलर की सबसे अच्छी बात है कि इसको काफी रियल रखा गया है, फिर वो चाहे पढ़ाई का धंधा चलाने वाले कोचिंग माफिया का असली चेहरा हो या फिर किसी दूसरे के लिए अपनी जिंदगी को दांव पे लगाने वाले आनंद की स्ट्रगल भरी लाइफ, सब कुछ जैसे का तैसा फिल्म के ट्रेलर में आपको देखने को मिल रहा है। फिल्म का एक्स फैक्टर होने वाले हैं ऋतिक रोशन, जो कमाल की एक्टिंग कर रहे हैं। पूरे ट्रेलर में ऋतिक को ढूंढना मुश्किल है। ट्रेलर में आप सिर्फ आनंद को ही नोटिस कर पाते हैं, जिनका लाइफ में सिर्फ एक सपना है, उन बच्चों की लाइफ को आगे बढ़ाना जो जिंदगी की उलझन में सपना देखना भूल गए हैं। ऋतिक का लुक भी कमाल का है, जो फिल्म में उनके कैरेक्टर के लिए सबसे बड़ा प्लस पॉइंट साबित होगा। फिल्म के डायलॉग दमदार हैं और आपको सोचने पर मजबूर कर देते हैं। एक राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वो बनेगा जो इसका हकदार होगा। इस लाइन के पीछे हमारी दुनिया की कड़वी सच्चाई छुपी है, जिसमें अमीर लोग गरीबों का शोषण करते हैं और उनको पैरों की धूल के समान समझते हैं। सुपर 30 एक ऐसी फिल्म होगी जो उन लोगों की जिंदगी में दोबारा खुशियां भर सकती है जो पूरी तरीके से उम्मीद हार चुके हैं और डिप्रेस्ड हो गए हैं। मेहनत तो सड़क पर गड्ढे भरने वाला मजदूर बड़े एसी ऑफिस में बैठने वाले सीईओ से ज्यादा करता है, लेकिन हमारी दुनिया का सिस्टम ही कुछ ऐसा है कि एक को गालियां सुनने को मिलती हैं और दूसरे को लोग सलाम करते हैं। तारीफ करनी होगी फिल्म के मेकर्स की, जिन्होंने बॉलीवुड की मसाला फिल्मों से हटकर एक रियलिस्टिक सब्जेक्ट पर फिल्म बनाने की कोशिश की है। आजकल वैसे भी ऐसी फिल्में बनना ऑलमोस्ट बंद हो चुकी हैं जो समाज को आईना दिखाने का काम करती हैं। आजकल तो बस मारधाड़ और आइटम सॉन्ग्स का जमाना है, जब ऐसे में ऋतिक रोशन जैसे बड़े कलाकार आम लोगों के बीच से फिल्म उठाकर सिलेक्ट करते हैं तो उससे एक्सपेक्टेशन अपने आप बढ़ जाती है। ऊपर से जब सीधी सादी कहानी में साइंस और मैथ्स का तड़का लगेगा तो थिएटर में ऑडियंस का रिएक्शन यादगार बन जाएगा। हाँ, लेकिन ट्रेलर में बजने वाला इंग्लिश सॉन्ग गैंगस्टर टाइप की मूवी की फीलिंग देता है, जैसे मानो डॉन वगैरह कोई 4-5 बंदूक लेकर दुनिया से अपने बदला लेने जा रहा हो। इसकी जगह अगर कोई स्लो मीनिंगफुल ट्रैक वो भी हिंदी में डाला जाता तो शायद फिल्म की थीम को ज्यादा सूट करता। ट्रेलर में पूरा फोकस आनंद के कैरेक्टर पर रखा गया है, लेकिन उनकी स्ट्रगल और हार्डवर्क को थोड़ा कम दिखाया गया है। इसके बदले उनके बोल्ड अवतार को ज्यादा दिखाया गया है, जिसमें आइटम सॉन्ग का तड़का भी लगा दिया गया है। अब ये तो बॉलीवुड की पुरानी आदत है हर चीज को बढ़ा चढ़ाकर दिखाने की, इसका इलाज तो बड़े से बड़े डॉक्टर के पास भी मिलना मुमकिन नहीं है। वैसे इसके अलावा फिल्म का एक पोस्टर भी रिलीज किया गया है, जिसमें टैगलाइन दी गई है, उठो पढ़ो लड़ो बढ़ो। इसमें जिस तरीके से मैथ्स का सिंबल का इस्तेमाल किया गया है वो काफी इंटरेस्टिंग है। मतलब अगर आप एक तरफ फिल्म के ट्रेलर को रख देंगे और दूसरी तरफ इस पोस्टर को, तो मैं पोस्टर पे अपने पूरे पैसे लगा दूंगी। ये जिसका भी आइडिया है एकदम कमाल का है। उम्मीद करती हूँ सुपर 30 जैसी फिल्मों से हम लोग थोड़ी सीख लेंगे और अपने एजुकेशन सिस्टम में थोड़े चेंजेस करेंगे, जिसमें टैलेंटेड बच्चों को सिर्फ इसलिए सफर ना करना पड़े क्योंकि वो फाइनेंशियली वीक हैं। गरीब परिवार में पैदा होना उनकी गलती नहीं है, तो फिर इन बच्चों को सजा क्यों मिलती है। मेरी तरफ से सुपर 30 के ट्रेलर को 5 में से 3.5 स्टार, 1 स्टार फिल्म के बेहतरीन और रियलिस्टिक सब्जेक्ट के लिए, 1 स्टार ऋतिक रोशन की परफेक्ट एक्टिंग के लिए, 1 स्टार मीनिंगफुल और इम्पैक्टफुल डायलॉग्स के लिए और 0.5 स्टार फिल्म की कॉस्ट्यूम और शूटिंग लोकेशन के लिए। मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।